Assalamualaikum, welcome back to Isha's YouTube channel. I hope you all are doing well. I'm good, Alhamdulillah. So finally, जी, today is a new day, new vlog for you guys. और today is a Friday. मैंने अभी अभी नमाज पढ़ी है. Tomorrow is my paper. So yes, अभी मैं उसी के लिए यहाँ बैठकर तैयारी कर रही थी. This is so messy. Ignore कर दें इसको. मैं ऊपर स्टडी करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोई होता नहीं है ऊपर, पहली बात. एंड दूसरी बात ये कि आप आराम से इजी होकर ऊपर स्टडी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई, ठीक है. और ऊपर मेरी हर एक चीज़ भी अवेलेबल है. जब से शादी हुई तो मैं ऊपर शिफ्ट हूँ, तो ईच एंड एवरीथिंग मेरी ऊपर होती है. सो दैट्स व्हाई मेरे लिए ईजी हो जाता है. सो यहाँ पर बैठ के आराम से मैं स्टडी करती हूँ. आज की जो जो रूटीन होगी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, और टुमारो इज़ माई पेपर, उसकी भी इंशाल्लाह मैं कल व्लॉग बनाऊँगी और वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी. So yes, अभी चलते हैं ब्लॉग की तरफ. Let's go. 2 hours later. So finally, guys, अभी हम घर से निकले हैं और यहाँ रात हो चुकी है, और हमारे साथ है कशिश जो जा रही है अपनी फ्रेंड की मेहंदी पे. मेहंदी पे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. दिखाओ से आपने नोज पिन पहनी है. वाओ, सो प्रिटी. सो यस, अभी हम इसको छोड़ने जा रहे हैं. ये तो मुझे भी इंसिस्ट कर रही थी जाने के लिए, बट यू नो दैट कि कल मेरा एग्जाम है, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं जा सकती. बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. सो यस, अभी हम रास्ते में हैं और इसको ड्रॉप करते हैं. मैं बाय. सो ये जा रही है अंदर. द नेक्स्ट डे. अस्सलामुअलैकुम. सो मॉर्निंग हो चुकी है जी, और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँ एंड उसके बाद फिर हम चलते हैं रेडी होकर यूनिवर्सिटी पेपर देने के लिए. अभी अभी कशिश मेरे पास आई और कल वो शादी पे गई थी. माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, आप लोगों ने देखा है उसको. सो क्या कहते हैं, उसकी पूरी स्किन पर रेड 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 दाने निकल आए हैं. मीन्स कि उसको कोई मेकअप से या कोई प्रोडक्ट से किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी हो गई है स्किन पे. कल उसकी इतनी स्मूथ थी और आज उसकी इस तरह से हो गई है. बट कोई बात नहीं, मैंने उसे कहा कि आइसिंग कर ले, मे बी उससे थोड़ा सा आराम मिल जाए या थोड़े से उसके जो पिंपल्स हैं वो मतलब कि ठीक हो जाए. सो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे अच्छा हो जाए. और बस अभी हम जस्ट रिवाइज़ कर रहे हैं, जैसे ही रिवाइज करते हैं एंड देन उसके बाद हम रेडी होते हैं एंड एग्जाम देने के लिए चलते हैं, और आपको भी साथ लेके जाऊंगी. सो हेलो जी, आई एम रेडी. अभी अभी जस्ट घर से निकलते हैं बिकॉज आई एम लेट. और आप दुआओं में याद रखिएगा, मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हों. एंड बैग उठाते हैं और नीचे चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ. मैं रेडी हो चुकी हूँ. सो यस, अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाके गाड़ी निकालते हैं एंड उसके बाद लेट्स गो होते हैं. सो ओके गाइस, बैग उठा लिया मैंने, अब हम चलते हैं नीचे. सो गाइस, अभी अभी घर से मैं निकली और धूप है आज. दैट्स व्हाई मैंने आज कोई स्वेटर नहीं पहना बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है, और इसलिए ट्रैफिक इतनी है. इट्स ओके, फ़ोन चलने भी टाइम थोड़ा सा है. सो यप, वहाँ जाके मिलते हैं कि वहाँ जाके मैं आपको दिखाती कि यूनिवर्सिटी का क्या इन्वायरमेंट है. जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, पूरी यूनिवर्सिटी फुल होती है. जब क्लासेस होती हैं तो बहुत कम क्राउड होता है. सो आज देखिएगा बहुत ज़्यादा होगा. मैं वहाँ जाके दिखाती हूँ कि यूनिवर्सिटी का क्या इन्वायरमेंट है. अब वन बाई वन सारी लड़कियाँ बैग रख रही हैं गाड़ी में. ये अभी तक याद करी है. घर से नहीं पढ़ के आई आप? नहीं, इससे पूछो जरा पहले. टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हैं आप. हाँ, बिजी वूमेन आप हैं. चलो भी रखो जल्दी से. बैग रखते हैं हम भी अपना और अब हम चलते हैं अंदर. आई एम होम, अभी अभी घर आई हूँ और क्या कहते हैं, बस अभी मुझे शादी पे निकलना है कशिश के साथ. कशिश की फ्रेंड की शादी है, सो मैं जल्दी जल्दी से रेडी होती हूँ. सो फाइनली गाइज, ईशा रेडी हो चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और इतनी जल्दी में मैं रेडी आज हुई हूँ सीरियसली. बट हो गई जल्दी जल्दी में, मुझे जो ड्रेस मेरे सामने आया मैंने पहन लिया है बिकॉज सडन प्लान बना. ये देखिए जी, ओ माय गॉड,
बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका भी सडन प्लान बना है? हाँ, ये एकदम से प्लान बना है, एक सडन प्लान था और इसने फोर्स किया, सो दैट्स व्हाई मैंने कहा व्हाई नॉट, चलते हैं कल पेपर। मैंने पहले ही माइंड बनाया था, मुझे पता था ईशा ने आ जाना। और आज इससे भी प्यारी एक और लड़की कह सकती हूँ लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। So, अभी अच्छा जी, अब डैडी कह रहे हैं मेरी भी लो, सो मैं डैडी को लेती हूँ। डैडी इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, अब दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, दोनों साथ खड़े हो ना। ये देखिए जी, माशाल्लाह बोल दीजिएगा मम्मा और डैडी को देखकर, बहुत प्यारे लग रहे हैं, पाँव में आ रही है। सो चलिए जी, अब निकलते हैं और जाके वेन्यू पे आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस निकल रहे हैं, और यहाँ पर हम सब एक शादी पर नहीं जा रहे हैं, डैडी अपनी शादी पे जा रहे हैं, कोई अपनी शादी पे नहीं आई हुई, क्या बोल दिया। डैडी और ज्यान का अलग प्लान है, वो कहीं और जा रहे हैं और हम कहीं और। सो यस, चले फाइनली पहुँच चुके हैं, कशिश टर्न, ओहो अच्छी लग रही है, जल्दी जल्दी चले जो सना को देखना। करी ब्राइडल रूम में नहीं आओ, डायरेक्ट अंदर आ जाओ, अभी आपकी फ्रेंड की कॉल आई, उन्होंने पिक्चर्स बना ली होंगी ना, बहुत बेवफा है। सो हम हॉल में पहुंच चुके हैं और ये रही मेरी प्रिटी मामा जो अपने वीडियोस बनाने में लगी रहती है हर टाइम। नहीं नहीं और ये अभी भी स्टिल अपनी पिक्चर्स ही ले रही हैं दोनों। कैसे अल्लाह मम्मा खाना खा रही है। ये मम्मा की प्लेट है, वाओ। सो ये कशिश, ये कशिश की प्लेट है, सारे खाना खा रही है, खाना खा रही है। ये मेरी प्लेट है, ये देखें इतनी छोटी सी मेरी प्लेट है, छोटी सी मेरी प्लेट है, छोटी सी बच्ची की, छोटी सी छोटी सी बच्ची हूँ ना मैं, आपकी बच्ची हूँ मम्मा, छोटी सी बच्ची। गाइस अब मैं चाय का टाइम आ गया है और ये है चाय, कश्मीरी चाय, बहुत मजे किया, यम्मी। फाइनली गाइज वी आर एट होम, अभी अभी घर पहुंचे हैं, सो बस फ्रेश होते हैं और चेंज करते हैं एंड देन पढ़ने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पेपर है। सो यस, सुबह मिलते हैं आपसे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। द नेक्स्ट डे, सो फाइनली गाइज टुडे इज अ न्यू डे और टुडे इज माई पेपर, और मॉर्निंग में पेपर है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जस्ट निकल रही हूँ, और निकलने से पहले ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, बैग उठाते हैं और अब चलते हैं, बिकॉज बस चलते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं फिर से मैं लेट हो जाऊँ, कल मैं थोड़ा लेट पहुँची थी, और अब नीचे चलते हैं। सो आज मैं खुद गेट खोल रही हूँ बिकॉज कोई मेरे लिए नहीं उठ रहा इस टाइम, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में सब सो रहे होते हैं। सो आज हम अपनी मदद खुद करते हैं और गेट खोलते हैं, गेट खोल लिया ये देखें, और अब मैं निकालते हैं हम गाड़ी, कितनी अच्छी हूँ देखें, जैसे अपने काम खुद करने चाहिए, अच्छी बात है। बैग रखते हैं। सो फाइनली फाइनली गाइस आई एम इन यूनिवर्सिटी, अभी अभी यूनिवर्सिटी पहुँची हूँ, लुक सो यप। अब हम गाड़ी अपनी पार्क करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे अंदर, पेपर है भाई। फाइनली गाइस पेपर से हो चुके हैं हम फ्री, और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, सारे टेबल खाने, ये सारी हैं जी मेरी फ्रेंड्स। सो यप, ये होती है ना, मैं निशा के बाद होता है, कभी ले लेते हैं, अभी हम कौन कौन सी वीडियो उसकी बनती है।
सो यस वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। अब पूरा वीक हमें सुकून है सैरिश और उसके दरमियान में मेरे साथ बहुत कुछ होने वाला है, मतलब लाइक बहुत स्पेशल होने वाला है। समवन स्पेशल एक्सपोज कर दो नहीं अभी अभी मैं आई हूँ सैलून पे, मेरी कुछ सर्विसेज मुझे करवानी थी सो मैं वो करवाऊंगी। और मेरे साथ है मेरी दोस्त सैरिश जो हर जगह मेरे साथ होती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं चिपके हुए सो यस और यहाँ से जाएंगे अब हम, इसके बाद तो घर जाऊंगी और सैरिश यहाँ से चली जाएगी अपने घर। सो यस और क्या बोलूँ। जी अभी अभी घर पहुंची हूँ और वाह मेरे गार्डन को देखें, बिल्कुल ऐसा हो गया है न्यू, हर चीज़ कट चुकी है और यहाँ पे बहुत बड़े वो थे ट्रीज थे, वो भी काफ़ी हद तक कटवा दिए मम्मा ने, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि कुछ ज़्यादा ही पूरे मतलब लाइक गार्डन ही छुप गया था, जिसकी वजह से अब ठीक लग रहा है। और यस अभी इग्नोर माई कंडीशन बिकॉज फेशियल वगैरह हम करवा कर आए हैं तो ऐसा ही होता है। सो अभी हम अंदर चलते हैं, फ्रेश होते हैं एंड देन अब रेस्ट करते हैं क्योंकि आगे पूरा वीक छुट्टी है और रेस्ट करेंगे मज़े करेंगे। सो यस लेट्स गो इनसाइड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।